इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? हाँ दोस्तों, मेरा नाम डेविड अग्रवाल है। आज मैं आपको आईफोन के रिलेटेड एक खास एक मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। इसको कहते हैं आई ब्रिज, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो आई ब्रिज है ये किस काम में आता है? तो अगर आपके पास में आईफोन 6, 7 या उसके ऊपर के मॉडल है एक्स तक, और आप डिस्प्ले कनेक्टर पे अगर आपको रीडिंग चेक करनी है, रेजिस्टेंस जो हम जिसको कहते हैं, अगर आपको वो चेक करना है या आप वोल्टेज चेक करना है, तो दोस्तों क्या होता है कि वो चेक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब तक डिस्प्ले लगाएंगे तो उसको इनेबल सिग्नल नहीं मिलते हैं, उसको EN सिग्नल नहीं मिलते हैं, और वो ग्राफिक्स के सिग्नल नहीं बना पाता। सो रीज़न है, अगर आपको वो चेक करना है तो आपको डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, और डिस्प्ले लगाने के बाद में फिर उसके कनेक्टर पर चेक करना बहुत दिक्कत जाती है। हम जनरली GR तो चेक कर सकते हैं, बट हम जो वोल्टेज होते हैं वो चेक नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है आई ब्रिज। तो जिन्होंने भी नहीं देखा ये वीडियो पूरा देखेगा अगर ये आईफोन पे काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आई ब्रिज, कुछ इस तरह का आता है। फिलहाल मेरे हाथ में 6 है, ये मैंने वीडियो के लिए खास लेकर रखा हुआ है। हमारी क्लास में 7 भी है, और उसके ऊपर जितने भी आते हैं हमने सारे लेकर रखे हुए हैं, सारे स्टूडेंट को अपग्रेड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दुकान पर जाकर प्रैक्टिकली काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर 10-10 इंस्टीट्यूट फिर वो ज्वाइन करते हैं। सो ये काइंडली का ये आई ब्रिज है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, 6S, 7, 8 और X के लिए आता है। ये इसका जो वर्जन है ये 6 का है, और इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे आपको ऐसे चाइनीज़ में आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर इनका जो एड्रेस है आपका, सो ये चाइना का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इस तरह से इसका ढक्कन है, जब ये खुलता है तो एक ऑलरेडी मैंने इसमें निकाल के रखा हुआ है, जो आपको यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है। इसका पूरा डिटेल पूरा मैंने लगाया हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ। सो ये पूरा मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ, कैसे मैं इस पर वोल्टेज चेक करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिलेगा, और जो थोड़े बहुत लोग बेसिक तरीके से कर रहे हैं ये वीडियो देख के, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो पसंद जरूर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब जैसे इसमें आते हैं बहुत सारे कनेक्टर्स आते हैं अलग अलग, जैसे फिलहाल एक कनेक्टर ये है। सो अलग अलग कनेक्टर आते हैं इसमें, कैमरे का कनेक्टर आता है, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, और एक कनेक्टर इसमें आता है जो आपका डॉकेट कनेक्टर होता है, जिसमें USB लगा होता है, USB चार्जर, आपका रिंगर, ये सब लगा होता है, वो आता है इसमें। और इसमें डिस्प्ले और टच, जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले और टच यहाँ पर आता है। तो इस पर तो अभी मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ एक मैनुअल गाइड भी आता है, ये देखिए इस तरीके का एक मैनुअल गाइड आता है, ये ऐसा एक मैनुअल गाइड आता है जब इसको आप ओपन करेंगे। सो यहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। पीछे यहाँ पर सारी चीज़ लिखी है कि क्या क्या मेजरमेंट ये कर सकता है। सो यहाँ पर बताया यूज एन एक्सटेंशन ऑफ केबल, एक तरह से केबल को केबल बढ़ा देता है ये, अवॉइड डैमेज। वही कनेक्टर पे हम मल्टीमीटर के जो प्रोब लगाते हैं, कई बार लोग ज़्यादा दबाने पर अपने कनेक्टर को ब्रेक कर देते हैं। और यहाँ पर है जो आई ब्रश बकल्स बूट द पार्ट एंड मदरबोर्ड, ये भी बहुत अच्छी वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। एडवांटेज बताया, जज ऑफ द फेलियर, जो भी फेलियर पार्ट है, जो भी रेजिस्टेंस या वोल्टेज जो नहीं आ रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं। रियर कैमरा डैमेज, सो बेसिकली यहाँ पर आप जो भी कनेक्टर डैमेज हो गया उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रियर हो गया, LCD हो गई, फ्रंट कैमरा हो गया, सिंगल LCD भी आप कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आफ्टर कनेक्ट द मदरबोर्ड एंड पार्ट वोल्टेज कैन नॉट बी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट करने के बाद में जो वोल्टेज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस नीड टू बी मेजर विद माइक्रोस्कोप के साथ में करनी पड़ती है, पर यहाँ पर आपको कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप LCD स्क्रीन, मदरबोर्ड रिलेटेड वोल्टेज, सारे वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर विदाउट माइक्रोस्कोप के। या लिखा हुआ है ना, नो नीड टू ऑपरेट माइक्रोस्कोप, जैसे ये एक तरह से लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल मेजर मेथड कि भाई कनेक्ट करने के बाद आप वोल्टेज नहीं चेक कर पा रहे हैं, और मेजर भी जो रेजिस्टेंस है वो भी माइक्रोस्कोप से आप चेक कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा अच्छा एक फंडा है। तो यहाँ बताया आईफोन 6 में जो इसका कनेक्टर है वो इस तरह से लगता है। यहाँ पर आपका टच और डिस्प्ले लग जाता है, कैमरे लग जाते हैं, सो अलग अलग है यहाँ पर, और नीचे आपका डॉक कनेक्टर लग जाता है। वैसे ही ये SSS, SSP, 7G, 7P कुछ इस तरह का यहाँ पर ये कनेक्टर दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ मैंने किस तरह से इसको लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ मैंने अपना IMAX का पावर केबल लगाया हुआ है,
यहाँ मैंने वो कनेक्टर लगाया हुआ है, इस तरह का ये कनेक्टर है। मैं आपको ये कनेक्टर यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह का कनेक्टर है, जहाँ पे देखिए आपको ग्राउंड भी चेक करने को मिल जाएगा, ये जो वोल्टेज है आपको वोल्टेज चेक करने को मिल जाएंगे। चलिए मैं इसको पूरा आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामने मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगा के रखा हुआ है। ये मेरा कनेक्टर है, जैसे कि सबसे पहले अभी मैं अपने फ़ोन को ऑन नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। सो इसलिए मैं इसको डायोड मोड पे कर देता हूँ। तो ये मेरा डायोड मोड पे है, और जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा, पहला सिरा ग्राउंड है तो ये दोनों ग्राउंड आने चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है 11, 19, 13, 10, इतना ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें शो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं इसको चेक करता हूँ कि ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि ये मल्टीमीटर फ्लुक का मल्टीमीटर नहीं है, तो जो भी इसका रेजिस्टेंस है कुछ इसके आसपास ही आएगा। तो पहले मैं आपको ये रेजिस्टेंस चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, एक सिरा मैंने यहाँ पर रेड वाला ग्राउंड पे लगा के रखा हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर ये बीप आ गई है, तो ये बीप ही आएगी यहाँ पर। ये आपको दिख रहा होगा। और अब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करता हूँ कि मेरे को कनेक्टर पर रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 553 का रेजिस्टेंस मिल रहा है, और यहाँ पर भी मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहा है 317। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, डेट मीन की लाइन मेरी ओके हो है। और अब इस पर वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि हम डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद वोल्टेज चेक नहीं कर पाते हैं। तो अब आप मल्टीमीटर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मल्टीमीटर में इसको मैं ऑन करता हूँ फोन को। देखिए, मेरा अपना फोन ऑन कर दिया है, तो मेरा डिस्प्ले आ चुका है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली उसमें भी दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ, तो अब इसको वोल्टेज में सेट कर देते हैं 20 वोल्टेज। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप LCD लगाते हैं, तो जैसे LCD लगाएंगे तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आपको मिलेगी, और ये जैसे ही 1.8 वोल्टेज होगा, ये आपके चेस्ट नेस्ट को इनेबल करेगा, और -5 और +5 करके एक वोल्टेज पैदा होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टच किया, तो देखो 1.8 वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है -5.7 के समथिंग यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए, तो देखिए -5.44 मिल रहा है, 5.4, और यहाँ पर प्लस मिलना चाहिए, तो यहाँ पर +5.6 मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो मेरा डिस्प्ले है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा LCD भी यहाँ पर चालू है, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने वोल्टेज को मेजरमेंट किया हुआ है। और यहाँ पर मेरा फ़ोन आप देख रहे हैं कि मेरा फ़ोन बूट कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो। और यहाँ पर देखिए, आपको पूरा वोल्टेज आपको दिख रहा है, -5.7, +5.7, वहाँ पर 1.8 वोल्टेज है। तो सारी सप्लाइयाँ हमको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सप्लाइयाँ हमको नहीं आएंगी, तो आप मान के चलिए कि CPU पे काम करने से कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद में फिर आपको बेसिक तौर पे मोबाइल रिपेयरिंग फिर से सीखनी पड़ेगी। तो सही तरीके से लीजिए नॉलेज, और सिर्फ दिखावे में मत जाइए। सिर्फ CPU पे काम करने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में 2 साल भटकने के बाद अपने मोबाइल ख़राब करने का क्या करोगे आप? आप हर काम पर IC पे काम करके सक्सेस नहीं मिल सकता है, बिना सर्किट नॉलेज के, बिना जानकारी के। कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये -5 और ये +5, ये जो वोल्टेज बन रहे हैं, ये बनते कैसे हैं, आपका ये 1.8 वोल्टेज कैसे इनेबल करता है, आपके टच में कितने वोल्टेज आपको बनने चाहिए, ये OL जो लिखा होता है ये क्या होता है,
एक्चुअल ग्राउंड जो ग्राउंड है वो एक्चुअल ग्राउंड है कि भी नहीं है, वो ग्राउंड भी ये मेजर करना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये जो आ रहा है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कहाँ से आता है, और ये अगर कम आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मेजरमेंट करना है। यहाँ पर ये MIPI क्या लिखा होता है, ये MIPI का मतलब क्या होता है, ये P और N का मतलब क्या होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ये अलाइव का मतलब, ये FIFA का मतलब क्या होता है, PMU अलाइव का मतलब क्या होता है, ये I2C लाइन क्या है, ये I2C HDA लाइन क्या होती है, इस पर कोई वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, आता है तो कहां से आता है, VCM ये लाइन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये आपके मोबाइल के टच के कैलिब्रेशन के लिए है। अगर आपका मान लो आप टच ये करते हो और यहां पर टच होना चाहिए और यहां हो रहा है, तो ये लाइन चेक करने की इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर सही तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो, और हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल है, हमने इसको बहुत सिंपल बना के रखा हुआ है। बेसिक स्टूडेंट जो जिन्होंने आज तक फोन नहीं पकड़ा है, जिन्होंने स्क्रू ड्राइवर नहीं उठाया है, आप आइए, हम आपको आईफोन सिखाएंगे, क्योंकि हमने जो कोर्स का पैटर्न बना के रखा हुआ है बहुत इजी वे में हम समझाते हैं, आपको ये सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगे और आप लोगों को समझा सकेंगे जो सिर्फ CPU निकालते लगाते हैं। सो जुड़े रहे चैनल से, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है पहुंचाओ लोगों तक, और ताकि हमारे इंडिया में नॉलेज की कमी ना रहे और नॉलेज बढ़ता रहे। जो ऑलरेडी सिर्फ CPU निकाल कर जो सीख रहे हैं, जो सिर्फ CPU निकालना सीख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बड़े होने का टाइम आ गया है, थोड़ा सा सर्किट लेवल पे भी काम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दुकान पर बैठकर हर समय CPU तो नहीं निकालेंगे, कि अगर आपके हाथ में ग्राफिक्स नहीं आ रहा तो आप पता चला CPU निकाल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो एक्चुअल रिपेयरिंग होती है वो प्रोसेस टू प्रोसेस होती है, कि आप पहले दिन अगर ज्वाइन करें किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी जगह आप अगर सीखने जा रहे हैं, तो पहले ही दिन आप उसका CPU निकालना ये प्रोसेस में नहीं होता है। जो प्रोसेस होता है वो उसके सर्किट को समझना होता है, कि क्यों हमें CPU को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, कब हमें CPU को रिवॉल्व करना है, कब हमें इसको स्वैप करना है। तो जनरली बेसिक क्या हो रहा है आजकल के जितने भी नवे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो अभी जिनको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में, तो वो जनरली यही काम कर रहे हैं, सिर्फ CPU पे काम कर रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग समझदार हैं और वो जानते हैं कि अगर सीखना है तो बोर्ड पे एक्चुअल जो काम होता है, प्रैक्टिकली जो मोबाइल जो हमारी दुकानों में मोबाइल फ़ोन पे काम हो रहे हैं, वो हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हमारा काम आसान हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, कि हर काम के लिए तो हम CPU निकाल नहीं सकते, और CPU तो सिखाते सभी हैं, कि ऐसा नहीं है, जो चाइनीज़ भी सिखा रहे हैं CPU निकालना और सेफ मेथड से निकाल रहे हैं। तो हमारे पास भी अगर आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, आईफोन ट्रेनिंग 15 बैच का हमारा नया है, जिसमें हम 3 CPU की गारंटी देते हैं, और यहाँ हम जल्दबाजी में CPU निकालना नहीं सिखाते कि आपको एक दिन में ही CPU निकाल के आपको टाटा बाबा कर दें। यहाँ पे आपको बहुत बेसिक और बारीक चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि नॉलेज है और वो नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जहाँ नॉलेज नहीं है और तो वो और सिर्फ CPU निकाल के टाटा बाबा कर देंगे। तो बेसिकली छोटी सी छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं जैसे कि कह रहा हूँ, iBridge आप ये ले सकते हैं, इसमें क्या क्या है और ये क्या क्या काम करते हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा प्रैक्टिकली आपको बताया है। और दोस्तों उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे आईफोन को 15 फरवरी का बैच बहुत ही सक्सेसफुल गया, उसके वीडियो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे चैनल पे डले हुए हैं, और गैजेट नगरी के चैनल पे भी हमारे वीडियो आने वाले हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है 15 मार्च का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको जो सिखाएंगे वो बहुत ही बेसिक से एडवांस हम आपको सिखाएंगे, एक एक चीज़ जो दुकान पर प्रैक्टिकली आ रही है। जनरली जो इंस्टीट्यूट में जो सिखाया जा रहा है आज के डेट में लोगों को, तो सिर्फ या तो CPU निकाल के लगाया जा रहा है, या बेसिक चीज़ें बताई जा रही है कंपोनेंट लेवल या सर्किट लेवल पे, या हर बॉल के क्या मतलब होता है, अगर एक लाइट IC है उसके अंदर जितने भी उसके जो GR होते हैं वो अलग अलग GR क्या क्या काम करते हैं, कब स्विचिंग होती है, I2C I2S ये क्या लाइन होती है, किस तरह से लीकेज फाइंड आउट किया जाता है, कुछ भी डायरेक्ट ट्रिक हम आपको यहाँ पर तो देंगे ही, साथ में उसका मतलब भी समझाएंगे आपको, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आईफोन रिपेयरिंग ज्वाइन कीजिए,
और देखते रहिए चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन भी भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिपेयरिंग को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल फोन हमारा चालू हो चुका है हन? ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है? क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट अगर आते हैं यूएमसी करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहोगे? सर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर यहाँ आएंगे तो सही डिसीजन होगा। अगर कहीं और जाओगे तो आप घूमते रहोगे, बस काम में हर जगह घूमते रहोगे। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको काम एकदम परफेक्टली सीखना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा और आपको कहीं फिर बाद में किसी से भी कोई हेल्प जाने की जरूरत नहीं, इधर जाने की जरूरत नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद एमएमसी डायरेक्ट, क्योंकि मैंने वही किया था, हार्डवेयर किया सॉफ्टवेयर भी किया, प्लस में सॉफ्टवेयर तो आता था लेकिन उसमें भी मेरे को सर और डॉट्स निकल गए जो मैं नहीं करता था मार्केट में। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाके सीखो। अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना इसी पे आके यहाँ सीखना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए? आप कहीं भी नहीं जाना है, खाली एशिया टेलीकॉम चूज कर लो, नंबर वन बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जाना है, बाद आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने बाद नंबर वन आ जाएगा। दिल से बोल रहे हो आपके, मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ। मैं ऐसा दिल से कह रहा हूँ, दिल से अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम 100% फुल प्रैक्टिकल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको किताब कापी भी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हो, मोबाइल में जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, किस सेक्शन में लगा होता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आता है और जब ये खराब होगा तो इसमें कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू दिखा सकता है, यहाँ 100% पूरी इसकी जानकारी दी। यहाँ पर आपने साथ में है 28 दिसंबर का बैच और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है? हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है? हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार, 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 4 बार किया, वेरी गुड। इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल। 2 बार कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है? सो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है बात, ठीक है? अच्छा ठीक है, चाहिए अगले। आप किन किन ने 1 टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर 1 टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार, 8 बार किया तुमने? 3 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो। 2 बार, नंबर बोलते रहो बस। 14 बार, क्या बात कर रहे हो? इतना 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बनना है? बताओ, 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है? कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार, 5 बार, 6 बार, सर 5 बार,
7 बार बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 3 बार 5 बार 4 बार 2 बार 6 बार 5 बार 5 बार 3 बार 2 बार तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस जिस